मैं प्रजापति समाज के सभी संगठनों, संस्थाओं और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर को अवगत करा देना चाहता हूं कि यह बेहद दुखद घटना बल्लभगढ़ के साजापुर गांव में घटी, जिसमें सोनू प्रजापति जो कि बसंता प्रजापति जी के पुत्र हैं, उनकी उम्र 20 से 22 साल थी। उस बच्चे को पुलिस द्वारा किसी आरोपी बनाया गया किसी केस में तथा उसे जेल में डाल दिया गया। वहाँ मुझे लगता है ऐसी यातना मिली कि उसने आत्महत्या कर ली। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आत्महत्या होने के दूसरे दिन उसको कोविड-19 पॉजिटिव घोषित कर दिया गया, जबकि कोविड-19 घोषित करने के बाद में जो रखरखाव करने, बीच बचाव जो रखने पड़ते हैं, वो ऐसी कोई सावधानी प्रशासन द्वारा नहीं बरती गई। ना तो किसी कोर्ट को क्वारंटाइन किया गया, ना किसी पुलिस वाले को क्वारंटाइन किया गया, ना किसी गांव वाले को क्वारंटाइन किया गया। और मोर्चरी के अंदर, सब दायाग्रह के अंदर जहां उसकी डेड बॉडी खुली पड़ी थी, वहां भी आने वाले के तांता लगा हुआ था, वहां भी किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन नहीं किया गया। और मैं इस केस के लिए मैं गांव में गया, साजापुर में, जहां वहां के सरपंच से भी मिला, वहां के जनप्रतिनिधियों से मिला, वहां के समाज से भी, बुद्धिजीवियों से मिला, पीड़ित परिवार से मैंने मुलाकात की। किसी भी आदमी ने इस बच्चे को दोषी नहीं बताया। और खास तौर से मैं बता दूं, ये बच्चा बहुत होनहार था, भारत की सेना में भर्ती होना चाहता था, उसकी तैयारी कर रहा था। और बेहद, मैं आपको बता दूं कि बेहद होनहार बच्चा था। और मैं अब अपील करना चाहता हूं मनोहर लाल जी खट्टर साहब से और सभी अपने नेतागणों से, अपने प्रशासन से, कि इसकी जांच CBI से होनी चाहिए तथा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में हम ऐसे हीरा को, ऐसे अपने बच्चे को आगे न कभी खो सके, ना ऐसी कभी दुर्घटना घट जाए। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं, मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में। हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमने एक शिकायत पत्र पिछड़ा वर्ग आयोग में भी दिया है, जिसकी जांच अभी जारी है, वो अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। मैं पुनः अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी जांच को निष्पक्ष कराएं, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।